गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी में आवाज़ें बताऊंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ें होती हैं, पशु पक्षियों की आवाज़ें होती हैं, या कोई भी चीज़ की आवाज़ होती है। जैसे पानी गिरती है तो आवाज़ होती है, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है, आप लोग सुने होंगे, चूड़ी की खन खन की आवाज़ सुने होंगे, रेलगाड़ी की छुक छुक आवाज़ सुने होंगे, हवा की भी आवाज़ होती है, नदी की भी आवाज़ होती है, घंटी की टन टन की भी आवाज़ आप लोगों ने सुने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आवाज़ें। नंबर वन में क्या है आपका, प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी पानी। पानी की आवाज़ कैसी होती है, टप टप। यहाँ हम लोग क्या राइट करेंगे, ट प ट प, टप टप, और दो बार लिखेंगे, ये नहीं कि एक बार लिखना है। और ये यहाँ टप लिखे, फिर यहाँ डैश, फिर यहाँ ट प टप, ठीक है, पानी टप टप। अब देखिए नंबर टू में है आपका ह, व में आ की मात्रा हुआ हवा। हवा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सरसर, हवा की आवाज़ सरसर होती है, सर 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 सर, ठीक है। अब देखिए नंबर थ्री है आपका न, द में बड़ी की मात्रा दी नदी। नदी की आवाज़ कल कल होती है, क ल डैश क ल, ठीक है, नदी कल कल। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर फोर, प में आ की मात्रा पा य ल पायल। पायल की आवाज़ छम छम, आप लोग तो सुने होंगे, आपकी मम्मा पहनती होगी तो यहाँ छ म डैश छ म, पायल छम छम। नेक्स्ट देखिए नंबर फाइव में आपका है घ, ड में बड़ी की मात्रा डी घड़ी। घड़ी की आवाज़ टिक टिक, ट में छोटी की मात्रा टी क डैश, ट में छोटी की मात्रा टी क, टिक टिक, ठीक है। अब देखिए नंबर सिक्स में आपका है च में बड़े ओ की मात्रा चू, ड में बड़ी की मात्रा डी चूड़ी। चूड़ी की आवाज़ क्या कैसी होती है, चूड़ी की आवाज़ होती है खन खन। यहाँ लिखेंगे ख न डैश ख न खन खन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है नंबर सेवन, नंबर सेवन में है द, र, व में आ की मात्रा वा, ज में आ की मात्रा जा दरवाजा। दरवाजा की आवाज़ यहाँ हम लोग लिखेंगे ख ट डैश ख ट दरवाजा खटखट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर एट, घ में अंग की मात्रा घन, ट में पड़ी की मात्रा टी घंटी। घंटी की आवाज़ टन टन, आप लोग तो सुने होंगे, आप लोग मंदिर में आप लोग घंटी की आवाज़ सुने होंगे, फिर आप लोग स्कूल में भी सुनते, लेकिन आप लोग तो अभी आते नहीं हो स्कूल। तो अब देखिए यहाँ घंटी की आवाज़ ट न डैश ट न घंटी टन टन। नंबर नाइन है आपका र में ए की मात्रा रेल रेल। रेल की आवाज़ तो आप लोग जानते होंगे, रेलगाड़ी, आप लोग गेम भी खेलते होंगे छुक 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 छुक, तो आप लोग यहाँ पर रेल की आवाज़ क्या लिखेंगे, छ में छोटे ऊ की मात्रा छू क छुक डैश, छ में छोटे ऊ की मात्रा छू क छुक छुक रेल छुक छुक, ठीक है। नंबर टेन है देखिए ढ में ओ की मात्रा ढो ल क ढोलक। ढोलक की आवाज़ भी आप लोग सुने होंगे, आप लोग शादी में सुने होंगे ढोलक की आवाज़, या फिर आप लोग टीवी में देखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ढोलक की आवाज़ ढम ढम ढ म डैश ढ म ढोलक ढम ढम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये है ढोलक ढम ढम। अब यहाँ हम लोग एक बार देखते हैं, एक बार आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे कि आवाज़ें किसकी कैसी होती है, ठीक है। नंबर वन में देखिए क्या है, पानी पानी टप टप, ऐसे ही याद करेंगे आप लोग, पानी टप टप, पहले मात्रा के साथ, मैंने बोला है मात्रा के साथ, उसके बाद आप लोग ऐसे याद करेंगे, या फिर ऐसे याद करके उसके बाद कौन सी मात्रा कहाँ होगी ये आप लोग मात्रा के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सही सही आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पानी टप टप,
हवा सरसर, हवा सरसर, नदी कलकल, नदी कलकल, ऐसे ही आप लोग याद करेंगे। उसके बाद मात्रा, ठीक है, कहाँ कौन सी मात्रा होगी। पायल छमछम, पायल छमछम, पायल छमछम, घड़ी टिक टिक, घड़ी टिक टिक, चूड़ी खनखन, चूड़ी खनखन, दरवाजा खटखट, दरवाजा खटखट, घंटी टंटन, घंटी टंटन, रेल छुक छुक, रेल छुक छुक, ढोलक ढम ढम, ढोलक ढम ढम, ऐसे आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो आप लोग ये आवाज़ें अपने हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, याद करेंगे और राइटिंग सुंदर लिखेंगे और कहाँ कौन सी मात्रा होगी ये आप लोग बोल कर लिखेंगे, जिस तरह से मैम ने लिखा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।